से जाएगी। अरे भूलेगी क्या, ये तो अभी से हम चलो चलो आ गई, चलो अरे चलो 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 चलो। हम भी छत से चलकर बारात देखें। नहीं तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। चलना नहीं तुम जाओ। नहीं आना, सुनो ना मुन्ने यहाँ अकेला है, तुम जाओ। गुंजा का गुंजा बोलना। चंदन दूल्हा के भेष में बहुत अच्छा लग रहा है ना। बारात का दूल्हा चंदन नहीं है गुंजा, वो घर से जाए का। नहीं ये सच नहीं हो सकता, तुम मजाक कर रही हो ना। नहीं गुंजा हम सच कह रहे हैं। नहीं ये सच नहीं हो सकता, हम देख के आती हैं अभी। अरे गुंजा क्या हुआ, क्या हुआ बिटिया? राम ना जाने क्या हुआ इसे। अरे अरे बिटिया आप तो जरा इसके बाप को बुला के ले आ। चल क्या हुआ देखो ना इसे कहाँ हो गया है। गुंजा ए गुंजा, हाँ बेटी इसने कहा किया बाबू, हमें एक बुढ़िया से खेला के दे दो, हम कहा कर अपनी जान दे देंगे। मेरी बहन नहीं कर सकती बाबू। का? बहन नहीं कर बाबू। ये कैसा पागल पले, चुप कर। हमारा गला घोट दो, हमें जान से मार दो, हम हमेशा के लिए चुप कर जाएंगे बाबू। अरे पर कुछ समझ में भी तो आई, आखिर हुआ क्या? हम जिस दिन शादी तय करके आए थे उस दिन तो तूने कुछ नहीं कहा था। हमें क्या मालूम था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। चाचा इसने तो समझा था कि आप इसका ब्याह चंदन से तय करके आए हैं। चंदन से? हाँ ये तो चंदन को चाहती है और चंदन भी इसको चाहता है। रूपा जी ने तो इन दोनों से वादा भी किया था कि इनका ब्याह करा देंगे। रूपा की बात तो रूपा के साथ गई बेटी, लेकिन चंदन अगर गुंजा से ब्याह करना चाहता था तो जिस दिन ये बात तय हुई उस दिन वह भी वहां था, उसे कुछ क्यों नहीं कहा? कहा? कुछ नहीं कहा। नहीं एक शब्द भी नहीं कहा। नहीं ये नहीं हो सकता। हम झूठ नहीं कह रहे बेटी, चंदन तो बाहर ही है, कहो तो अभी बुला ले, तुम खुद पूछ लो। हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है बिटिया, बाप है, और अब इस बाप की इज्जत तुम्हारे हाथ है। बारात दरवाजे पर आकर खड़ी है बिटिया। बापू बेटी लड़की का मन तो अटल सिंधु होता है, कितने ही तूफान आए सब अपने आप में खेल जाता है। हाँ बेटी जब तक पूरे ना हो तेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। पूरे
गुंजा। सुनो गुंजा, हमारी तरफ देखो। अब कहाँ देखें, कहाँ सुने? बस एक बार हमारी बात सुन लो गुंजा, फिर चाहे जिंदगी भर हमसे नाराज रह लेना। तुमसे नाराज रहने का अब का अधिकार है हमारा? थोड़ा बहुत अधिकार जो हमने अपना समझ लिया था वो तो तुमने छीन ही लिया ना। बस एक बात नहीं समझ आती कि तुमने किस बात का बदला लिया हमसे? बोलो, किस बंधन में बांधने का वादा किया था और किस बंधन में बांधने चले आए? बोलो, काहे किया हमारे साथ ऐसा, काहे? बोलो। अब कहा बताएं गुंजा, हमने तो मन को समझा ही लिया था कि जब दुख भोगना है तो दुख देने वाले की आंखों के सामने ही सही। पर क्या करें, तन पर काबू नहीं रहा और गुंजा। बड़ा भरोसा था चंदन, हम समझते थे अगर हमारा नेचर में बल होगा तो हम तुम्हें जरूर पालेंगे। जिंदगी में नेच हुई तो सब कुछ नहीं होता गुंजा, एक कर्तव्य भी तो होता है। तुम तो बहुत बाद आई गुंजा, आंख खोली तो पहले भैया को जाना था, बाप मातारी की तो चेहरे तक याद नहीं हमको। होश संभाला तो भैया की गोद में, अरे हमारे भैया ने हमारे लिए कहा नहीं किया। और वही भैया भौजी के ना रहने के बाद कहा से कहा हो गए, अरे उनकी तरफ देखा नहीं जाता था गुंजा, लगता था कहा करें और कैसे उनकी खुशी वापस लाए। उनकी खुशी की खातिर ही हम अपना सब कुछ निचावर करने के लिए तैयार हो गए गुंजा। बात सिर्फ हमारी नहीं रह गई थी, भैया की खुशी की बात थी, उस घर की बात थी जिसे भौजी ने इतने जतन से संवारा सजा। बात हमारे मुन्ना की थी, इसलिए हमने सोचा कि उस घर को देखने संभालने के लिए एक तुम ही हो और कोई नहीं, और हम चुप रह गए गुंजा। हमें इतना भरोसा था तुम पर कि अगर तुम हमारी मजबूरी को सुनोगी तो मैं समझोगी और कर दूंगी। तुम बहुत बड़े हो चंदन। हाँ, पहले हम तुम्हें केवल चाहती थी पर अब श्रद्धा करेंगे। देवता ना भी मिले तो क्या पुजारी की भक्ति छूट जाती है? हम तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे चंदन, कभी। गुंजा, तुम जो भी कहोगे हम वही करेंगे। नहीं गुंजा। भैया, अरे पागल, ये कैसी बातें कर रहे थे तुम लोग? हमारे लिए तुम अपनी खुशियां छोड़ दोगे और हम खुश हो जाएंगे? हाँ, तुमने समझ क्या रखा है हमें? क्या हम ऐसे ही? भैया बस गुंजा, तुम चिंता मत करो, ये देवता ही तुम्हारा पति देवता बनेगा। हम अभी बात करके आते हैं। बैद जी, जी बच्चों की खुशी में ही हम दोनों की खुशी है, इसी में सबका भला है। गुंजा की मांग तो अब चंदन को ही भरने दीजिए। Thank you.
सुखी रहो।